मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और जल्द से जल्द निखिल मिश्रा जी के चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर करने में मदद करें। अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी रिसेंटली में काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो पहले लॉन्च हो चुकी थी, दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया था, उनको दोबारा रीलॉन्च किया गया। ये इंग्लिश कोर्स वाली जो स्कीम थी, एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाली जो स्कीम थी, वो इफ़ आई मे नॉट रॉन्ग के वो शायद 2017 या 18 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी उसको वो दोबारा रीलॉन्चिंग कर दिया गया। तो इसके पीछे आप मतलब क्या देख रहे हो कि ये दिल्ली सरकार का एक ड्रॉबैक है कि उस वक्त वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई अच्छे से, या एक ऐसा सक्सेसफुल वो स्कीम थी जो उनको दोबारा लॉन्च करना पड़ा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ ये स्कूलों का फेलियर है। अगर आपका पहली से बच्चा लेके दसवीं तक पढ़ता है और अगर वो वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा, तो वो तो अरविंद केजरीवाल की ही कमी है ना, उनके टीचर्स की कमी है ना। और आज दिल्ली के अंदर जो डेटा है, 70% स्कूलों के अंदर तो वो है ही नहीं, अपना प्रिंसिपल्स ही नहीं है। आज नए कोई टीचर भर्ती ही नहीं किए जा रहे। जो टीचर्स की संख्या आज से 7 साल पहले थी, आप अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने इतने कमरे बनाए विकास के नाम पे, जैसे अगर 500 स्कूल थे, 500 स्कूल में अगर 1,000 कमरे थे, तो उन्होंने 1,000 कमरे में 1,200 कमरे कर दिए, ये वो डेटा बताते हैं। अब अगर 1,000 का 1,200 अगर कमरे बने हैं, तो उसके अंदर भी एक स्कैम निकल आया। आपने देखा जो उस कमरे की कॉस्ट, जो 20x20 कमरे की कॉस्ट, 15x20 कमरे की कॉस्ट 5 लाख आनी चाहिए, वो 25 लाख का कमरा बना। आपने कोई उसमें सोने की दीवारें तो नहीं खड़ी की, कोई आपने उसमें मार्बल्स तो नहीं लगाए, नॉर्मल स्कूल का जैसे सरकारी स्कूल का कमरा बनता है वैसे आपने कमरा बनाया। तो जो कॉस्ट 5 लाख की कमरे की थी वो 25 लाख आ गए। चलिए फिर आपने कहते हैं आपने 200, 400, 500 कमरे, जो भी आपने डेटा आप देते हैं हम उसको ही मानते हैं कि वो आपने कमरे बनाए। तो अगर 500 कमरे बनते हैं और अगर उसमें 6 सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, तो कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहता 500 टीचर तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन टीचर तो कम हो गए। तो आपने कमरे बना दिए क्योंकि आपने पैसे कमाने थे। उसके अंदर भी अब जो जांच निकली है उसमें पता लगा 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनाया, क्योंकि आपने घोटाला करना था, लेकिन आपने टीचर तो बढ़ाए नहीं। तो जब टीचर ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? और उसका नतीजा ये निकला कि अभी जो डेटा आया, 10th के रिजल्ट आए कुछ दिन पहले, उसमें ये आया कि दिल्ली का जो सरकारी स्कूल है वो पहले देश के टॉप 10 रिजल्ट के अंदर भी नहीं आए। और ये तो सरकार का डेटा है, कोई ऐसा नहीं है भाजपा कह रही है, कोई कह रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसपे रूल तो एक अलग पार्टी का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई रूल तो रहता ही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर की जो क्राइसिस है दिल्ली के अंदर, तो उस चीज़ का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहिए ना ड्रॉबैक? नहीं, देखिए हर दिल्ली में काम बटा हुआ है। दिल्ली में 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक MCD होगी, सबका काम बटा हुआ है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली के अंदर कहीं भी नाले की ब्लॉकेज आती है, आपने देखा होगा तिलक ब्रिज में पानी भर जाता है, तो केजरीवाल चिल्लाने लग पड़ते हैं देखो MCD वालों ने सफाई नहीं की। और कई बार लोगों को भी पता नहीं होता कि दिल्ली सरकार का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है और MCD का काम क्या है। तो जो शोर मचा के कहा जाता है, लोगों को लगता है यही सही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी छवि बनाई है, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चते हैं, तो चैनल उनको ज़्यादा दिखाते हैं, मीडिया उनको ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि वहाँ से उनको बड़ा बजट मिल रहा है। लेकिन आप जो दिल्ली के अंदर काम बटा हुआ है, जो 40 फुट के छोटे नाले हैं उसकी सफाई MCD के पास आती है, और जो 40 फुट के ऊपर के नाले हैं उसका जो काम आता है वो आपके PWD के पास आता है, जो जिसके सीधा सीधा मंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब अपने 40 फुट वाले जो नाले हैं, गली मोहल्ले के जो नाले हैं, उसकी आपने सफाई कर दी, वो नाले कहाँ पर जाएंगे? जो नाले का पानी होगा, जो गंदगी होगी, जो जाएगी बड़े नाले में जाएगी। अगर बड़ा नाला साफ नहीं होगा तो ओवरफ्लो होगा। तो जो आप तिलक मार्ग देखते हैं, सारी इसका जिम्मा जो आता है PWD के जिम्मे आता है। जो जितने भी अगर आप देखते हैं, एक बारिश आती है और दिल्ली की सड़कें बेहाल हो जाती है, वो सभी मेन सड़कें हैं, वो MCD के अंडर नहीं आती, वो सारी सड़कें जो आती हैं दिल्ली सरकार के आती है। यही डिफरेंस मुझे लगता है दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए और वो बताना भी चाहिए। मीडिया का भी ये धर्म बनता है ये बताए कि कौन सी सड़कें PWD के अंदर आती है और कौन सी MCD के अंदर आती है।